अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हसना फिर से आ गई आप लोगों के साथ और एक नया वीडियो लेके। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने एक कारी रेसिपी लेके आया। मैंने आज फिश के साथ स्पेनिश जो पालोंग साग वो डाल के कारी बनाया, फिश स्पेनिश कारी। आप लोग तो सब मीट के साथ पालंग साग कारी खाया, चिकन के साथ भी बनाया, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे फिश के साथ स्पेनिश साग पालंग साग डाल के फिश कारी बनाती हूँ। तो चले मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इधर बहुत सारे पालंग साग लिया, मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया, धो के काट भी लिया है देखे। देन मैंने लिया फिश, ये मेरा एक बांग्लादेशी फिश है, इसको मागुर फिश कहते हैं। आप लोग कोई भी फिश ले सकते हो, मैं ये सुपर मार्केट से लेके आया, ये काटा हुआ था, मैंने अच्छी तरह से धो के पानी में डाल के रख दिया। आप लोग कोई भी फिश लेके इसको बना सकते हो। और मैंने मसाला लिया, मैंने इधर एक गार्लिक लहसुन को पीस लिया और दो प्याज को इधर पीस के मैंने रखा। मैंने पाउडर मसाला लिया, धनिया पाउडर, कारी पाउडर, हल्दी पाउडर और चिली पाउडर। तो चले बनाते हैं। ये देखिए, मैंने चूल्हा में एक हंडी पटा दिया। हंडी जब गर्म हो जाए, मैंने हंडी में तेल ले लेना है, मुझे जितना चाहिए उस हिसाब से। जब तेल थोड़ी सी गर्म हो जाए तो मेरा पिसा हुआ लहसुन डाल देना है। मैंने एक इधर एक लहसुन, पूरा एक लहसुन लिया। अभी मैंने लहसुन को अच्छी तरह से भून लेना है, जब थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाएंगे। देन मैंने इसमें जो पीस के प्याज रखा हुआ है, प्याज डाल देना है, पिसा हुआ प्याज। अभी प्याज को अच्छी तरह से थोड़ी भून लेना है, भून के अभी साथ साथ नमक भी डाल लेना है, जितना चाहिए उस हिसाब से नमक डाल देना है। डाल के फिर से अच्छी तरह से मिला लेना है, थोड़ी सी और उसको भूनना है। थोड़ी सी जब कलर चेंज हो जाएंगे देन पाउडर मसाला डाल देना है। पहले डालना है हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, देन चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, देन कारी पाउडर 1 टेबल स्पून एंड धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लाना है, अच्छी तरह से भूनना है रेड रेड करके। लाल लाल करके इसको भूनना है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी पानी डालूंगी, अभी जब देखूंगी थोड़ा तेल अलग हो जाए देन पानी डालना है। पानी के साथ भी थोड़ी सी भून लेना है। भून के अभी इधर मेरा जो फिश है ये डाल देना है। देखे, डाल के आराम से इसको मसाला के साथ मिला लेना है, जैसे सब मसाला इसके अंदर फिश के अंदर चले जाए। तो मैंने ऐसे मिला के ढक के 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगी। 3-4 मिनट के बाद ये देखे, मेरा फिश के अंदर बहुत सारे मसाला ऑलरेडी चले गया। तो मैंने एक एक करके आराम से जस्ट फिश को एक बर्तन में उठा लेना है। ये देखिए, जैसे आराम से उठाना है, फिश तोड़ ना जाए, इसीलिए आराम आराम से फिश को मसाला से उठा लेना है। मसाला नहीं उठाना है, जस्ट फिश उठाना है। ऐसे करके मैंने देखे सब फिश मैंने उठा लूंगी। उठा के देखे मेरा मसाला सब इधर ही रह गए। तो मैंने अभी ये मसाला में जो साग मैंने काट के रखा हुआ है, साग डाल देना है। इधर अभी बहुत सारे साग है, जब ये बॉयल हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। पहले मैंने थोड़ी सी डाला, डाल के मसाला के साथ मिक्स कर रही हूँ, जैसे नीचे मसाला जल ना जाए, बर्तन के साथ लग ना जाए, इसीलिए अभी मैं सब डाल दूंगी।
डाल के अब मैं लीड ऑन करके ऐसे ही रख दूंगी जब तक कि बॉयल होके थोड़ी कम ना हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ज्यादा है, मैं मिक्स नहीं कर सकती, ये गिर जाएंगे नीचे। तो अभी मैं ऐसे ही ढक के रख दूंगी, बॉयल हो जाएंगे ये, इससे पानी छोड़ेगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये देखे कितने सारे थे, अभी कितना कम हो गए। तो अब मैं अच्छी तरह से इसको मसाला के साथ मिक्स कर देना है। मिक्स करके फिर से मैंने ढक के रख देना है, क्योंकि इससे बहुत सारे पानी अभी निकलेंगे, तो ऐसे ही रख देना है। देखा, फिर से उठा के ये देखे पानी छुड़े, और भी बहुत सारे पानी छुड़ेंगे। तो हम थोड़ी देर बाद बाद इसको लेड ऑन करके ऐसे स्पून के मदद से थोड़ी मिक्स करना है, जाते नीचे ना लग जाए। देखिए पानी छुड़ा मैंने, इधर कोई पानी अभी तक कुछ भी नहीं डाला, ये साग की पानी। तो अभी देखे मेरा ये गल भी गए, ये बॉयल हो गए। तो जो मैंने फीस रखी थी मसाला वाले फीस, इसको डाल देना है। डाल के आराम आराम से साग के साथ इसको मिक्स करना है, जोर से नहीं करना क्योंकि ये टूट जाएंगे। फिश ऑलमोस्ट हो गया, तो अभी थोड़ी सी होना है। तो अभी मैं आराम आराम से ऐसे मिक्स करके साग के साथ मिला लेना है। ये देखे मैंने मिला लिया, अभी मैंने इसको रख के ढक के ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए फिर से रख देंगे, जैसे जैसे फिश और साग मिल जाए। ये देखें थोड़ी देर बाद, ये देखे ये अभी मुझे मैंने पानी डाल देंगी, मुझे जितने सारे पानी चाहिए। ये मैंने थोड़ा सुरबा वाला रखना है, तो मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा पानी डालूंगी। आप लोग ड्राई रखना है तो उस हिसाब से पानी डाल देना है। ये देखे मेरा फिश भी नहीं टूटा हुआ है, ऐसे ही आता पूरा पूरा है। देखिए अभी इसको ढक के अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, जब ये चारी तरफ से उबल आ जाए। ये हो गया लुक, मेरा फिश करी तैयार है। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।